नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आज तो फ्राइडे है, आप लोगों को बताना चाहती हूँ जापान में क्या चल रहा है। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ 9 साल पहले क्या हुआ है। हाँ, आपको पता होगा कि 9 साल पहले यानी 2011 मार्च 11 तारीख को 11 तारीख को जापान में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक भूकंप हुआ है। इसको जापानी में कहते हैं हिगासी निहोन दाइशिनसाई, और इंग्लिश में ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक, और हिंदी में शायद विकिपीडिया में मिला है 2011 सेंदाई भूकंप और सुनामी। सही है क्या? मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। आज तो 13 तारीख मार्च है ना, लेकिन 9 साल पहले 11 तारीख मार्च में ये भूकंप हुआ है। उसी समय मैं तो हाई स्कूल स्टूडेंट थी। टाइम फ्लाइज, अभी तो 25 इयर्स ओल्ड हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो उसी भूकंप के बाद 9 साल हो गए हैं, इसलिए आपको बताना चाहती हूँ 9 साल पहले क्या हुआ है और 9 साल बाद मतलब अभी ठीक हुआ है कि नहीं। अभी बोलती हूँ तो सब ठीक तो नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ठीक है, ता शुरू करें। चलो पहले आप लोगों को भूकंप के बारे में की इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो वो हुआ है 11 तारीख मार्च 2011। वो भूकंप मियागी प्रीफेक्चर में सबसे स्ट्रॉन्ग था, और बाकी जगहों में भी बहुत ही मतलब बड़ा सा भूकंप आया है। जापान की राजधानी टोक्यो भी बहुत ही अफेक्ट हो गया है। उसी समय मैं फुकुओका में रहती थी, और मुझे तो पता नहीं चला कि मतलब भूकंप आया है, टीवी देख के पता चला। और भूकंप से ज्यादा भयंकर था सुनामी। भूकंप की वजह से बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी, उसकी वजह से बहुत लोग गुजर गए हैं और बहुत ही घर टूट गए हैं। तो सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से 18,428 लोग गुजर गए हैं या गायब हो गए हैं, और कहा जाता है उनमें से 90% सुनामी की वजह से मर गए, ना कि भूकंप की वजह से। और 404,893 houses घर टूट गए हैं partially या fully। ऊपर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फुकुशिमा प्रीफेक्चर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था और वो टूट गया सुनामी की वजह से। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे टूट गया वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, और मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन बहुत आसान भाषा में बताऊंगी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी बनाने के लिए गेंशिरो यानी इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत गर्म हो जाता है, और इसको ठंडा करने के लिए कॉन्स्टेंटली पानी चाहिए होता है। लेकिन इसी पानी का पंप टूट गया है, तो अब गेंशिरो रिएक्टर मेल्ट डाउन हो गया, और मेल्ट डाउन का मतलब बहुत ही गर्म हो गया, और इसको ठंडा करने के लिए पानी आजकल भी बहुत चाहिए होता है। और वो पानी है ना जो इस्तेमाल किया गया है, वो पानी कॉन्टामिनेटेड वाटर हो जाता है, पोल्यूटेड वाटर। तो भूकंप के 9 साल बाद 2020 आज भी 170 tons of contaminated water were created every day। तो उसी कॉन्टामिनेटेड वाटर को क्या करेंगे? अगर समुद्र में डालेंगे तो वो समुद्र खराब हो जाएगा, या तो जमीन के अंदर डालेंगे तो जमीन खराब हो जाएगा। तो अब तो वो सब टैंक में पानी डाल के बस रखते हैं। लेकिन कहा जाता है अगले 2 साल में उसी वो पावर प्लांट का वो एरिया जगह है ना, वो टैंक से भर जाएंगे, और टैंक रखने के लिए जगह कम हो मतलब नहीं हो जाएगा। अब जापानीज गवर्नमेंट को निश्चय करना चाहिए कि इसी कंटामिनेटेड वाटर को कहाँ डालेंगे, तो ये एक समस्या है। तो आप समझ सकते होंगे कि भूकंप के बाद 9 साल हो गए हैं, लेकिन भूकंप का वो अफेक्ट है ना वो अभी भी चल रहा है, और उसी पावर प्लांट के आसपास में आजकल भी लोग नहीं रह सकते हैं, रहना मना है। और पावर प्लांट की समस्या के अलावा अभी भी कुछ रेफ्यूजीज है जो अपना घर पे वापस नहीं जा सकते हैं, उसका संख्या है 48,000। 48,000 लोग अभी भी अपना घर में वापस नहीं जा पा रहे हैं,
और कुछ लोग मतलब बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अगर नया घर है तो फिर भी वापस नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा समस्या भी है। तो जापान में भूकंप के 9 साल बाद भी कुछ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, तो आपको वो बताना चाहती थी, वो एक बात है। और दूसरी बात न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। इस दुर्घटना से पता चलता है कि मनुष्य न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, लेकिन जब भी कुछ दुर्घटना होती है तब इसका सॉल्यूशन ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है, मनुष्य के पास नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना, न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करना, वो बहुत ही एक रिस्की काम है। कुछ जापानीज लोग चाहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करना खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। या कुछ जापानीज लोग सोचते हैं नहीं नहीं, अगर ठीक से मतलब संभालेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, उसकी चर्चा तो सालों से चल रही है अभी भी। मेरा विचार ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भविष्य में खत्म करना अच्छा होगा, लेकिन मतलब आज या परसों ये बंद नहीं कर सकते ना, हमारे लाइफ तो ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी से डिपेंडेड है और इसको एक दिन में बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आगे भविष्य में अगर पावर प्लांट बनाते रहेंगे या इस्तेमाल करते रहेंगे तो तब अगले बड़ा भूकंप या सुनामी आएंगे तो एक ही समस्याएं आ जाएगी भविष्य में। तो हमें नेचुरल एनर्जी का प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए और न्यूक्लियर पावर प्लांट और ज्यादा न बनाना चाहिए। ये तो मेरा विचार है, आपके पास भी अलग विचार हो सकता है, बस मैं कह रही हूँ जापान में ये हुआ है और अभी भी ये हो रहा है। और एनर्जी पावर प्लांट्स के बारे में सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम मतलब भविष्य में क्या करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और जाने से पहले और एक बात, एक जापानीज एनिमे लुपिन थर्ड द फर्स्ट इंडिया में रिलीज होने वाला है 13 मार्च से, मतलब आज से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जापानीज एनिमे फिर इंडिया में रिलीज होने वाली है, नहीं आज तो हो गई। हाँ, अगर आप एनिमे में रुचि रखते हैं या जापानीज कल्चर में संस्कृति में रुचि रखते हैं तो जरूर थिएटर जाके ये एनिमे मूवी देखिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स हैं तो वो भी देखिए, ठीक है। तो हाँ, आज के लिए सच में इतना ही। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय।